कॉलेज में जहां पर मेहंदी कंपटीशन का आयोजन किया था। आइए जुड़ते हैं कॉमर्स डिपार्टमेंट से आस्था गुप्ता मैम से, जिनके द्वारा इस कंपटीशन का आयोजन करवाया गया था। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। तो मैम, ये मेहंदी कंपटीशन का जो आयोजन किया था, इसका क्या उपलक्ष्य था? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल करवा चौथ का त्यौहार है, तो उसी उपलक्ष्य में हमारे डिपार्टमेंट ने आज ये कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया था, मेहंदी कॉम्पिटिशन। तो मैम, इसमें सिर्फ कॉमर्स के बच्चों ने ही पार्टिसिपेट किया है या फिर पूरे कॉलेज में किसी भी स्ट्रीम से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है? मैं बताना चाहूँगी, इसमें हमारे कॉलेज के सभी स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर्स, सभी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और ऑलमोस्ट 80 स्टूडेंट्स ने इसमें पार्ट लिया है। और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स इस बार हमने देखा सबसे ज़्यादा थे जो यहाँ भाग ले रहे थे। तो मैम, इसमें मतलब जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उसमें उनकी संख्या कितनी थी? करीबन 80 के करीब बच्चे थे जो यहाँ पर अभी पार्टिसिपेट कर रहे थे आज, और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, हमें लगा ही नहीं कि ये कोई कंपटीशन है, हमें ऐसे लग रहा था कोई प्रोफेशनल एक मेला चल रहा है और हमने वहाँ पर सभी को बुलाया हुआ है मेहंदी लगाने के लिए। तो बहुत ही अच्छी कला है सभी बच्चों की और सभी प्रोफेशनल तरीके से लगा रहे थे, और हमारे लिए निर्णय लेना बहुत ही मुश्किल रहा इस बार कि किसको फर्स्ट किया जाए और किसको सेकेंड किया जाए, तो इसीलिए हमने सभी पार्टिसिपेंट्स को भी प्राइजेस दिए हैं इस बार। तो मैम, इस कंपटीशन में जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उनका क्या समय निर्धारित था? जी हाँ, 12 से लेकर 2 बजे तक का समय निर्धारित किया था हमने, करीब करीब 2 घंटे। तो लेकिन हमने देखा कि सभी बच्चों ने 1.5 घंटे में मेहंदी लगा ली थी, तो उसके बाद हमने इसका निर्णय ले लिया। तो मैम, जैसे कि कोरोना टाइम चल रहा था, बच्चे सभी अपने घर पर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, उसके बाद कॉलेज रेगुलर स्टार्ट हुए हैं, फिर उसमें आपको क्या देखने को मिला कि बच्चों ने मतलब कितने बच्चे उत्साह से भर के आए हैं? या बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित थे इस बार, क्योंकि कॉलेज खुलने के बाद ये हमारा पहला ही कंपटीशन था जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो हमने यहाँ पर देखा कि कुछ बॉयज़ को भी इंटरेस्ट था मेहंदी में कि हम भी लगाएं, और गर्ल्स तो बढ़ चढ़कर भाग ले ही रही थी, सिर्फ वो नहीं थे जो लगा रहे थे, साथ में वो भी थे जिन्होंने अपने हाथ पर मेहंदी लगाई। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, सिर्फ बच्चों ही नहीं, यहाँ पर आज हमने टीचर्स को भी मेहंदी लगाई है, हमने बाहर से प्रोफेशनल्स भी बुलाए हैं जो हमारे यहाँ पर आज कॉलेज के सभी टीचर्स को मेहंदी लगा रहे हैं। थैंक यू मैम। जैसा कि मैम ने बताया कि इसमें सिर्फ कॉमर्स के बच्चों ने नहीं बल्कि ऑल ओवर सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। इसी के साथ कैमरा पर्सन कृष्ण के साथ मैं ममता।